अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? आज अयान इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं आपको एक एंड्रॉयड कार्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि एक हायर की एलईडी का कार्ड है, जो कि एक 32 इंच की एलईडी के अंदर लगा हुआ था। तो आज इस कार्ड की मैं फुली डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से वोल्टेज कहां कहां पे रिसीव होते हैं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इसके मेन वोल्टेज पावर केबल मैंने इसको लगा के पावर दी है, और इसकी आउटपुट पे ये देख सकते हैं सबसे पहले 12 वोल्ट है, जो कि इस कार्ड को ऑन करने के लिए, और ये वाले जो वोल्टेज हैं ये बैक लाइट्स के लिए। अभी कार्ड स्टैंड बाय पे है, तो जो स्टैंड बाय पे वोल्टेज आते हैं वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसके मेन वोल्टेज हैं 12 वोल्ट, जहाँ से आप अगर सप्लाई ख़राब भी हो तो यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कॉइल के ऊपर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट है, दूसरी वाली के ऊपर हैं 3.3 वोल्टेज, और इसी के साथ दो छोटी कॉइल्स और लगी हुई हैं, इनके ऊपर 1/1 या 1 वोल्ट आने चाहिए थे, वो कि नहीं आ रहे, और ये 1/7 भी हमारे पास रिसीव नहीं हो रहे, क्योंकि कार्ड हमारा स्टैंड बाय पे है। तो मैं इसको स्टैंड बाय से कर लेता हूँ रिलीज़, और सबसे पहले मैं 1/7 को देखता हूँ, अभी हमारे पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा छोटी वाली कॉइल जो मैंने पहले बताई थी 1 वोल्ट वाली, उसके ऊपर प्रॉब थोड़ी सही लग नहीं रही मुझसे, मैं प्रॉब सही करके लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ये देख सकते हैं 0.9 यानी कि 1 वोल्ट तकरीबन इसके ऊपर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ वाली जो कॉइल है इसके ऊपर भी 1 वोल्ट या 1/1 वोल्ट आने चाहिए। तो इस तरफ चेक करता हूँ, आई थिंक सो सही लग नहीं रही प्रॉब, 1/1 इसके ऊपर भी हमारे पास रिसीव होने चाहिए। वेट करें थोड़ा सा, हाँ ये देखें इसके ऊपर भी 1/1 आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वोल्टेज ये दो कॉइल्स के हैं ये स्टैंड बाय के बाद आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वाली थी आगे ये वाली, इसके ऊपर भी ऑन करने के बाद ही हमारे वोल्टेज शो होते हैं ना, जो मैंने कि ऑन की हुई है। अभी ये देख सकते हैं, अभी आपको 12 वोल्ट पैनल पे भी अभी मिल रहे हैं, क्योंकि स्टैंड बाय से रिलीज़ किया हुआ है मैंने कार्ड को। तो अभी मैंने आपको दिखाना है जी, ये देखिए जब 21 आ रहे हैं ना, तो मैं इसको बंद करके ऑन करूँगा तो ये इंक्रीज़ होगा, जो वोल्टेज है ना वो इंक्रीज़ होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग 54 से ये नीचे आया, तो आप इसके ऊपर 60 वोल्ट से नीचे कोई भी बैक लाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे ही है कि आप 3 वोल्ट वाली पट्टी यूज़ करें, बेशक वो 3 पट्टियाँ लगा लें, लेकिन वही यूज़ करें ताकि लाइफ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसके ऊपर, अभी स्टैंड बाय के ऊपर हमारे पास 12 वोल्ट नहीं आ रहे। इन केस आपका लैंप कार्ड हिस्सा ख़राब होता है तो आप 12 वोल्ट यहाँ से अपने लैंप कार्ड को दें, ताकि जब आप बोर्ड को ऑन करें तो आपका लैंप कार्ड ऑन हो और आपकी लाइट्स जो हैं ऑन हो जाए जी। तो इसके अलावा ये हिस्सा है सप्लाई का, और इसके साथ ये है जी लैंप कार्ड का हिस्सा, जहाँ से बैक लाइट्स चलती हैं। इनके से ख़राब हो जाए तो आप एक अदद लैंप कार्ड यूज़ कर सकते हैं और अपनी बैक लाइट्स को ऑन कर सकते हैं जी। तो इसके अलावा कंपनी ने एक अदद डिवाइस लगाई है वाईफाई, उसके अंदर उन्होंने 3 एंटीने दिए हैं। आम एलईडी में एक होता है, तो इसकी बॉडी के अंदर भी 3 एंटीने थे, डिफरेंट साइड्स पे लगे थे, ताकि कहीं से भी सिग्नल आए तो आपको रिसीव हो जाए। तो इसके अलावा मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगा कि इस सप्लाई के हिस्से में अगर आपका कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और 12 वोल्ट की आउटपुट नहीं निकालती, और इनकेस ये ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ पे आप 12 वोल्ट अपने दे सकते हैं। कोई भी 5 एम्पेयर का अडाप्टर लगा के अपनी एलईडी को ऑन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें।